हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं अभी अभी फिलहाल स्कूल से आया था। ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म निकाल दिया स्कूल की। प्रतीक आया नहीं अभी तक, क्योंकि प्रतीक मेरे से 10-15 अराउंड आधा घंटा लेट आता है। सो उसकी वेट करते हैं। एंड मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। जल्दी से खाना खाते हैं, फिर प्रतीक आएगा, उसके बाद मेले में चलेंगे गाइस, आज मान का वास वाले मेले में। सो फ्रेंड्स के साथ चलेंगे, प्लान किया है 3 बजे चलने का। 2:40 तो हो चुके हैं, बस वो आने वाला है प्रतीक। उसके बाद चलेंगे, सारे पैदल चलेंगे गाइस, एंड अच्छे से इंजॉय करेंगे पूरा कंप्लीटली। सो चलो, मैं जल्दी से अपना खाना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। प्रतीक आ गया है गाइस, आ जा जल्दी, चल खाना खा ले, उसके बाद मेले में चलेंगे। मैं टाइम दे के आ रखा हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे आज। ये दादाजी लेके आए हैं प्रतीक को। अरे यार, आराम से गेट तोड़ेगा। गाइज, अब देखिए, मैं स्कूल से आया था, अब हमारे मानकास वाले मेले में चलेंगे। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो चलो गाइज, मेरे दोस्तों के साथ चलेंगे। हेलो गाय जी, आ जाओ बाइक लेके, मैडम चलेंगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसकी एक्साइटमेंट देखो गाइस, इसने ना खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया है अभी तक, ऐसे ही घूम रहा है। अरे भाग गया, रुक जा। अरे देखिए गाइस कैसे भाग रहा है दादाजी के पास। बिल्कुल फुल एंड फाइनल रेडी हो चुके हैं गाइस, हम बस 5 मिनट में निकलेंगे यहाँ से, फिर पहुँचते हैं जल्दी से। धूप बहुत ज़्यादा, और क्या, वैसे तो आज मतलब गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा, पर कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे। आज चलते हैं फिर, चले चल जल्दी। मम्मा हम जा रहे हैं। इसने कितने रुपए लिए रे? तूने रुक जा, 100 रुपए, 100 रुपए के जितने है तू। गाइस, हम यहाँ पर मेले में तो पहुंच चुके हैं, बट भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। देखिए मतलब पीछे वो पहाड़ है ना, वहां पर लगा हुआ है मेला, उसके पास जो वहां पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग शूट ही नहीं कर पा रहा शोर इतना है। गाइस हम ऊपर आ रखे हैं फिलहाल। आपको मेरी आवाज में भी ना सुने, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा और खाना, तो लोग में आवाज नहीं आ रही है। प्रतीक 2 आइसक्रीम खा चुका, फिर भी भाग है। मतलब घर से भी खाना नहीं खा के आया। और चलो ऊपर चलते हैं फिलहाल। फिलहाल गाइस, हम पहाड़ के बिल्कुल हाफ पे आए हैं, फुल पे ऊपर तक तो गए भी नहीं आए, और यहाँ से इतना क्लियर व्यू आ रहा है, सारी चीजें दिख रही है अच्छे से। यहाँ पर आ जा प्रतीक, प्रतीक यहाँ पे आ, यहाँ पर आ जा, देख यहाँ से देख, यहाँ से देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वाओ अमेजिंग, वो सामने वाला, वो वाला पहाड़ हमारा है गाइस, जो सामने दिख रहा है वहां पर है हमारा घर। ये मानकावास वाला पहाड़ है, वो मंदिर है, इसके लिए यहाँ पर मेला लगता है। ऊपर भी चलेंगे, पहले ये दिखा देता हूँ। वो सामने झाड़ली पावर प्लांट भी है गाइस, थोड़ा सा दिख रहा होगा कैमरे में, इतना क्लियर नहीं आ रहा। और वो हमारा पुराना रेडी स्कूल, वो रहा प्रतीक तेरा स्कूल। वापिस नीचे आ गए गाइस, ज्यादा ऊपर नहीं गए क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं था, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, गिर जाते हम। सो इसीलिए छोड़ो, क्यों इसके लिए ना चलते हैं, नीचे आ गए। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, वो दिखाता हूँ। ये देख वो अंदर तक है, ये बहुत, यहाँ पे आ जल्दी आ, ये देख कितनी अंदर तक है।
कैमरा में क्लियर नहीं दिख रही वो अंदर तक है। दूसरा पर्स है यार, बढ़ के देखा यहाँ इसमें हिम्मत से तो खाई। सो गाइस हमने एक फालूदा ले लिया है, बादाम शेक एक ही लिया क्योंकि मेरे को थोड़ी भूख कम थी तो मैं थोड़ा सा इसी के साथ शेयर करके खा लेंगे। दे दे थोड़ा सा मेरे को भी, अच्छा नहीं है। ठीक है बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है टेस्ट। फिलहाल वहाँ पर दंगल चल रहा है गाइस, सो हम वहाँ पर वो देखने जा रहे हैं कि कैसा है कैसा नहीं। मैं आता हूँ ना तो मतलब आज टाइम नहीं मिलेगा हमें देखने के लिए क्योंकि 5 बजे घर पर जाना है ना, सो बस थोड़ा सा देख के चलेंगे। कुश्ती हो रही है गाइस, आगे चले ला मेरे को पकड़ा दे। गाइस मैं नानी जी के घर पर जा रहा हूँ गाइस, बस से चलेंगे, चलो चलते हैं। तो गाइस अब फिलहाल मैं घर पहुँच चुका हूँ, प्रतीक और मम्मा को तो मैं छोड़ा है, वो मामा जी के घर पे गए हैं कुछ काम था। तो फिर हम मेले से तो 5 बजे ही आ गए थे क्योंकि जाना था 5:20 को तो बस आ जाती है, तो इसीलिए हम 5 बजे आ गए थे मैं और प्रतीक, फिर उन दोनों को छोड़ा है चले गए। एंड गाइस मेले में बहुत ज़्यादा मज़े आए, वो सब कुछ आपने देखा ही होगा, बट एक कि हमारे पास टाइम नहीं था गाइस। अगर टाइम होता ना तो मैं अभी भी वहाँ पर मेले में ही रहता, शाम को आता बिल्कुल 7, 7:30, 8 बजे आते आराम से जब मेला ख़त्म होता। एंड फिलहाल क्या और रखा है, फिलहाल 5:50 और रखे हैं गाइस। मन तो नहीं था आने का बट आना पड़ा, पर क्या करें कोई बात नहीं, चलो आए गए हैं तो। एंड बाय द वे मैं अभी छत पर था एंड मौसम तो बिल्कुल ओपी हो रखा है, बस सूरज डूबने ही वाला है, बस थोड़ा सा डूब ही चुका है। एंड पहाड़ वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा कि क्या ही बताऊँ। तो फिर वो सारी चीज़ें हमने कर ही ली थी। तो ठीक है गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।